हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं जो पराठा बनाने जा रही हूँ वो है ब्रोकली का पराठा। तो ये देखिए, मैंने आटे को जो है वो लगा के रख लिया है। पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ आटा कैसे लगाना है। हमने 2 कप आटा लिया है, आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाली है, 2 चम्मच घी डाला है, नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और जो रेगुलर आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही आटा है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गूंथ लिया है और इसको 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था रेस्ट करने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा ये आटा लगा हुआ है। ये ब्रोकली है, 1 फूल ब्रोकली का मैंने लेकर अच्छे से उसको ग्रेट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे हमने ग्रेट कर लिया है जैसे हम गोभी के पराठे बनाते हैं ना, उसी तरह से। ये हमने 1 प्याज ली है जिसको बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च है इसको भी हम इसमें मिला देंगे, थोड़ा धनिया है, ये धनिया पत्ती अगर आपके पास है तो जरूर ऐड कीजिए, 2 टेबलस्पून के करीब ये धनिया पत्ती है। और यहां मैं आपको बताऊं, 2 पिंच रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, आपकी इच्छा है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार है। जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, अमचूर है 1/4 टीस्पून, और ये है हमारा चाट मसाला 1/2 चम्मच। तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, जब हम बनाएं तभी हम इसमें इसको मिलाएंगे। और ये लिया है मैंने घी, आप कोई भी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं, मैं पराठे घी में बनाने वाली हूं। और हम सूखा आटा लेंगे डस्ट करने के लिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, इस समय आप टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने आटा लगाना बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर हम हर बार आटा लगाना बताते हैं। तो ये देखिए ये तैयार है, आप टेस्ट करके देख लेंगे, जितना भी जो भी आपको कम ज्यादा लगेगा वो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने किचन का स्लैब गंदा ना हो तो एक मैं ये कपड़ा बिछा के रखती हूँ ताकि जो आटा है सूखा आटा वो इधर उधर ना गिरे, और आप बनने के बाद इस कपड़े को झाड़ दें। तो तवा रखने से पहले हमें चकला बेलन लेना है, फिर चिमटा साथ में होना चाहिए, आटा लगा हुआ होना चाहिए, सूखा आटा होना चाहिए, और जो फिलिंग आपने तैयार की है वो होना चाहिए। फिलिंग में मुझे नमक कम लगा था टेस्ट करने के बाद, मैंने और डाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें से लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप लोई तोड़ लें, उसको आप ऐसे गोल ऐसे करके बना लें और इसको सूखे आटे में डस्ट करें, इसको हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएं। और इसको हल्का सा बेलन से फैला लें। मैं इसी तरह से बनाती हूं और इसमें अब हम ये फिलिंग रखेंगे। इसको चारों तरफ से सील करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो पहुंच सकें। इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे और फिर से एक बार सूखे आटे में डस्ट करेंगे, हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं। और मैं यहां आपको ये दिखा दूं बीच में कि देखिए ब्रोकली में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर जब आप मार्केट से ब्रोकली लाते हैं तभी आप धोकर इसको सुखा लें तो वो पराठा बनने में इजी रहेगा। तो ये देखिए पराठा जो है ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना पतला, बिल्कुल भी पराठा फटा नहीं है आप देख सकते हैं, और फिलिंग भी बहुत अच्छी सी भरी है। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे ताकि जो है वो चिपके ना। और ये देखिए हम इसको सिकने की इंतजार करते हैं, मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ऐसे ही हम अब दूसरा पराठा बनाएंगे। आप हाथ में लेके थोड़ा गहरा करके भी इसकी फीलिंग कर सकते हैं, बट ये भी एक आसान तरीका है। इस तरह से आप इसकी फीलिंग करेंगे, इसको सील करेंगे, और बहुत देखिए कितना अच्छा तरीका है, आपको और ज्यादा मेहनत या कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ब्रोकली सीधा आप इस तरह से बच्चे को खिला सकते हैं। हमने इसको पकाया भी नहीं है, बिल्कुल जैसे
कॉलीफ्लावर गोभी के परांठे बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको ये बनाना है। और बहुत आपका अच्छा, मतलब बच्चों को पसंद आएगा, टेस्टी बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी बेल लिया है। तो दूसरा पराठा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये सिक गया है। अब हम इस पे लगाएंगे घी। घी को आप पिघला लें थोड़ा सा तो वो जरा आसान हो जाता है लगाना, ज्यादा नहीं लगता। अब हम इसको पलट लेंगे। इधर भी, दूसरी तरफ भी हम घी लगाएंगे और इसको क्रिस्प होने तक सेकेंगे। और आप दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ लीजिए, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा है ये। ये देखिए ये फूल गया है पराठा, बहुत अच्छी स्टफिंग, बहुत ही बढ़िया ये बन रहा है और अच्छे से फूल रहा है। देखिए आप किनारे से भी अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए है ना, बढ़िया पराठा सिक गया है ना। ऐसे ही दूसरा बनाते हैं। तो ये हमने तवे पर डाल दिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। ज्यादा तेज फ्लेम पर हमें नहीं पकाना, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। देखिए आप थोड़ा थोड़ा ये है ना ब्राउन आने लगा है इस समय हमें। और अगर आप नीचे सूखा आटा नहीं डालना चाहते कि वो जला जला लग जाता है, तो आप हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें। ये मैं लोहे के तवे पर बना रही हूं जो मैं डेली यूज करती हूँ। इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं ये पराठे। दोनों तरफ घी लगाते हुए इनको अच्छे से सेक लेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। घर का बनाइए और खाइए। दोनों तरफ से हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। चारों तरफ से उलटते पलटते हुए हमें, देखिए हमारा इधर से थोड़ा सा कच्चा है, इधर से पका है, तो जिधर से तवे की फ्लेम जरा ज्यादा है तो हमें चारों तरफ से इसको सेकना है। ये देखिए चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और बहुत अच्छे से, तो कहीं से भी कच्चा नहीं है। गैस को करते हैं ऑफ, क्योंकि अभी मैं आपको दो ही पराठे बनाकर दिखाऊंगी। और इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये पराठा बनकर तैयार है। इधर से भी देखिए, ये देखिए फिलिंग दिखा रही हूं मैं आपको, कितने अच्छे से ये भरा हुआ है। और जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। ये देखिए।